तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है, तभी तो वो शौर्य दिवस मनाते हैं। हाँ, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा सच कह रही थी या फिर वो मेरे मन में शक का बीज बोना चाहती थी? क्या ये उसकी आखिरी चाल थी या फिर सच में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? किस राज के बारे में जानना चाहते हो बालवीर? ताकि यो इस बोरी के लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब, इस बोरी को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने में हेल्प कर दो। विवान, तूने इतनी भारी बोरी कैसे उठा लिया खुद? वो क्या है ना मम्मी, आपको तो बताइए ना कि छेड़ अंकन की बोरी में आधी तो हवा ही होती है, बिल्कुल पोटैटो चिप्स की पैकेट की तरह। इसलिए आराम से आप ये मुझे दीजिए ना। अरे आप लोग रख दिया? थैंक यू, बात करते बहुत काम है। देखा तो कितना बदल गया विवान, पहले तो लोग तेरी कंप्लेन लेकर मेरे पास आते थे और अब उससे वैसे तो तू बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है। तेरी मॉम पर तुझ पर गर्व है बेटी। थैंक यू। वैसे देवू कहाँ है? मैं जानता हूँ कि हमारा काम भाई को खत्म करना है, लेकिन ये वीर लोग का नियम भी है कि बुराई का खात्मा करते समय, उससे लड़ते समय हमारे हाथों किसी भी प्राणी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ शौर्य, क्या हमेशा इस नियम का पालन हुआ है? क्या आज तक कभी भी किसी भी प्राणी की जान वीर लोग के किसी भी वासी के हाथों नहीं गई? तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो बालवीर? शौर्य, मैं बस यही जानना चाहता था कि लड़ाई के मैदान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चूक हो जाती है, क्या आज तक वीर लोक में किसी से भी कोई भी चूक नहीं हुई? मेरे हाथों से कभी किसी निर्दोष की जान नहीं गई है बालवीर। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। जिसकी जान मुझे लेनी पड़ी, अगर उस व्यक्ति को रोका नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे अरे बालवीर, तुम आ गए, विमान भी आ गया होगा ना? चलो चलो, मुझे और 18 मोमबत्तियां जमा करने में मदद करो, चलो। अरे लेकिन डुबा डुबा, इतनी सारी मोमबत्तियों का करोगे क्या तुम? आज शौर्य दिवस की 20वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा कैसे धरती वाले केक पर मोमबत्तियां सजाते हैं। ठीक वैसे हम भी 20 मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे शौर्य दिवस की खुशी का कारण सुबह से मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा हुआ क्या था? यानी कि 7,300 दिन, यानी कि 58,400 पहर।
सालों से मैं सोया नहीं हूं मिलसा। शिंकाई की इन गहराइयों में हर रोज हर पल खुली आंखों से बस एक ख्वाब देखता आया हूं मैं। इस दुनिया की तबाही का ख्वाब, क्योंकि इस तबाही की राख से ही मेरी हुकूमत का सूरज निकलेगा। आपके इस ख्वाब को किसी की नजर ना लगे बामबाल श्री, पानी के अंदर हूँ वरना काला टीका लगा देती। नजर लगाना तो दूर की बात है मिलसा, अगर कोई हमारे सपने को आंख उठाकर भी देख ले तो उसकी आंखें निकाल कर उसे ही नजराना कर देंगे। अपना सपना तबाही, तबाही, तबाही। लेकिन इस तबाही के ख्वाब को हम पूरा कब करेंगे बम्बाल श्री? सब्र मिलसा, सब्र। आज से 20 साल पहले किस्मत का एक तारा टूटकर शिंकाई की इस गहराई में आकर गिरा था, और उसी के साथ आ गिरी थी एक ऐसी छुपी ताकत जो आज आजाद होगी, और उस ताकत की मदद से मैं इस शिंकाई धरती और आकाश पर राज करूंगा। हम जस्ट सो वरिड आंटी, एक घंटे में भारत नगर के पीछे जो क्लोज कॉलेज है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप देखिए ना अभी तक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स ये सब कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं। यूं उदास होना और अकेले में रोना इस इंजूरियस 12th एनएन है दीदी। मैं रो कहाँ रही हूँ विवान, हाँ लेकिन एक घंटे में अगर ये सब कपड़े नहीं धुले तो पक्का रोने लगूंगी। अरे फिकर नॉट एनएन है दीदी, मैं ये सारे बेडशीट एक घंटे के पहले धो दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे 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 बोलो नहीं सुनो, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए बेटा जो पूरा ना कर सको। आई एग्री माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, जहाँ विल वहीं पर स्किल। अच्छा तो तेरे पास कोई मैजिकल स्किल है जिससे एक घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे? ऑफ कोर्स माँ। हैं? नहीं नहीं नहीं, भारत नगर में टोटल कितने घर है? 20 घर बराबर, तो अगर मैं हर घर में 5 बेडशीट धोने के लिए दे दूं तो 25 से 100 बेडशीट आराम से एक घंटे में धुल जाएंगी, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, है ना, है ना नैना दीदी? यहाँ विवान यू राइट, आखिर मैं भी कितनी बड़ी डफर हूँ ना, जिन घर से जाके बेडशीट्स लेके आई थी उन्हीं से धुलवा के लेके आ जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी आंटी, विवान सब संभाल लेगा। चलिए हम चलते हैं। कहाँ? क्वारंटीन सेंटर आंटी, वो एक्चुअली ना वहाँ पे 100 लोगों के खाना बनाने का अरेंजमेंट करना है, और आपसे बैठे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है चलो।
मुझे लोहे का हेलमेट पहनाने वाला था ना विवान, अब मैं तेरे ऊपर ऐसा बाउंसर डालूंगा कि तू रात को सोते समय भी हेलमेट पहन के सोएगा। मैं आज छुपे छुपे विवान को लेसन कैसे सिखा सकता हूँ? अगर मैं इन सारे बच्चीज को मिनी साइज में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सारे बच्चे एक ही बार में तुल जाएंगे। यस। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? कहाँ गया? लगता है तो मेरी सही में वाली धुलाई होने वाली है, वो भी सूरमा डिटर्जेंट पाउडर से। कोई तो बचाओ, हेल्प मम्मी। और कितनी दूर जाना है बम्बाल श्री? सबसे कीमती मोती सबसे गहरे पानी में ही मिलता है मिलसा, और सबसे बड़ी कामयाबी सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को ही हासिल होती है। और मैंने तो इस दिन के लिए 20 साल सब्र किया है। विवान, हनी परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस, क्वारंटीन सेंटर के लिए बेडशीट सो रहा हूँ। आज वी लोक में इतना बड़ा समारोह है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कपड़े धोने में व्यस्त हो? बस एक मिनट ध्वनि परी, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ फिर आपके साथ आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला शौर्य दिवस है, आई एम वेरी एक्साइटेड। इन छोटे छोटे क्यूट मैजिक से लाइफ कितनी सिंपल और फास्ट हो गई है ना? ये देखिए मम्मी, हेल्प प्लीज। कोई तो मुझे मशीन से बाहर निकालो। विवान, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे फिक्र नॉट ध्वनि परी, ये वॉशिंग मशीन की आवाज है। धुल गए कपड़े। चिंटू, विवान, तो ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये चिंटू अंदर किसे कुछ गया। मुझे चिंटू की मेमोरी और नजर दोनों क्लीन करनी पड़ेगी। I'm sorry, चिंटू। विवान, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ? लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। विवान, सॉरी ध्वनि परी, अगर आप मुझे इतना घूरेंगे तो मुझे नजर लग जाएगी। सो प्लीज स्माइल एंड लेट्स गो। मैं शौर्य दिवस के लिए लेट नहीं होना चाहता। चलिए। वीरलोक के मेरे साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो आप यहाँ थे, शौर्य दिवस की तैयारियां करवा रहे थे? अब हाँ विवान, अब धरती लोक पे तुम सोशल सर्विस कर रहे थे तो मैं यहाँ पे वीर लोक सर्विस कर रहा था। हर वर्ष की तरह हम शौर्य दिवस की शुरुआत शक्ति मशाल को प्रज्वलित करके करेंगे। ये शक्ति मशाल वीर लोक की अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है, और इसे प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बालवीर को। विवान, शौर्य कौन से बालवीर की बात कर रहे हैं? आई थिंक इस बार दोनों बालवीर को कह रहे हैं। ओह, हाँ।
जो शौर्य मुझसे छिपा रहे हैं। आखिर सब क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मिलसा। ये रहा वो नायाब शानदार करिश्मा जो 20 साल पहले यहां आ गिरा था। ये क्या है बम्बाल श्री? इतना बड़ा अंडा वेल का है? वेल अंडे नहीं देती मिलसा। ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, किस्मत का खजाना है, खजाना है। वैसे तो अंडे से जिंदगी मिलती है, लेकिन इस अंडे से मिलेगी मौत। मुझे किसी तरह पता करना होगा क्या आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और दमनासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनेगारों का अनुयायी हूँ। भैया वो देखो वहाँ पे। हाँ। हाँ। अब विवान क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। ओह लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम मालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है, मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो जल्दी। हाँ। पूछो शौर्य, क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बम्बाल श्री आपसे एक बात पूछनी है, ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीर लोक के जयकास। आज से 20 वर्ष पहले की बात है, वीर लोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया रसायन मतलब केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ? वीरलोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकास। जयकास तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज, मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी, शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकाज सपने देखने लगा था मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकाज। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकाज। अपने घमंड में चूर जयकाज ने एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकास को अपने कवक और दो छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकास ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीर लोक के नियम के विरुद्ध है। जयकास ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकास पर पीछे से हमला करेगा।
लेकिन जयकाज ने भी पलट कर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकाज के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकाज का विमान नष्ट हो गया। जयकाज का एक बेटा विमान से फिसल कर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहां शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकाज ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है, इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकाज के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकाज और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकाज ने मुझे ये बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकाज को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। तो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो इसका मतलब ये है कि शौर्य की गलती की वजह से हमें जयकाज का बनाया हुआ ये कवक का अंडा मिल गया। शौर्य को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिल्सा। मैं जयकाज की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आओ वीरलोक के निवासियों, आज मेरे साथ तुम सब शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि हम इस संसार में अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस दुनिया ही नहीं इस पूरी कायनात से अच्छाई की नस्ल को मिटा कर रख दूंगा। चाहे अच्छाई की रक्षा के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अच्छाई को मिटाने के लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। हम प्रण लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति की रोशनी को अनंत काल तक फैलाते रहेंगे। मैं बंबाल ये कसम खाता हूं इस संसार से अमन और खुशी को ऐसे खत्म करूंगा कि अच्छे लोग अच्छाई के नाम से भी डर जाएंगे। अपना सपना तबाही तबाही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.